हेलो गाइस, कैसे हो लोग? आज की वीडियो में हम खेलने वाले पोकेमोन फायर रेड। सो मेरी पता नहीं आवाज को भी क्या हो गया था। हाँ, सो आज की वीडियो में हम खेलने वाले पोकेमोन फायर रेड। सो मैं गेम प्ले चला दूंगा। सो मेरे को अभी तुम्हें से थोड़ी बात करनी है। सो अब हम लोग इस चैनल पोके चैनल कर रहे हैं। सो चैनल मैं ना उसका गेम बाकी भी खेलूँगा, जैसे फ्री फायर हो गया। फ्री फायर तुम भूल जाओ फिलहाल के लिए, छोड़ो भाई फ्री फायर एकदम, हटाओ फ्री फायर को, मैं नहीं खेलता, बेकार गेम हो गया यार। BTS के लिए इतनी मेहनत करी थी, BTS बनने लग गया, पिंक बनने लग गया, मेरे को भग यहाँ से। हाँ ठीक है, टॉपिक पे आते हैं, ऑफ टॉपिक नहीं जाते हैं। सो हम खेलेंगे आज से पोकेमोन फायर रेड। सो मैंने चैनल का नाम भी चेंज किया है एंड लोगो भी बदला है। जो कि चैनल का नाम है तुम्हें दिख ही गया होगा, है ना, लोगो दिख ही गया होगा, है ना। हाँ तो बस यही बताना था। तो आजकल मैं ऐसे इंट्रो करूँगा कुछ इस प्रकार से, तुम्हें अच्छा लगा नहीं लगा कमेंट करके बताना। एंड यप यही है, ठीक है, बस यही बोलना था। एंड शायद से ज़्यादा व्यूज ना आए तो जैसे ज़्यादा शेयर करना अपने पोकेमोन फ्रेंड फ्रेंड्स दोस्तों को। एंड बताना कि मेरे को पिक्सेलमोन की सीरीज नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि तुम लोग कुछ अपसेट हो कि भाई तू बनाता है फिर ख़त्म कर देता है, बनाता है ख़त्म कर देता है, 15 मिनट तेज चलती नहीं। सो गाइस ऐसी दिक्कत है ना कि जब मैं बनाता हूँ तब ये कुछ 15 मिनट, मतलब यार तुम कुछ सोचो ना, मेमोरी नहीं है मेरे फ़ोन में और पोकेमोन की। तो गाइस मेरे ख्याल से अभी तक काफ़ी है, तो आप जाके वीडियो देखो। हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? आज की वीडियो हम फिर से खेलने आ रहे हैं, मतलब पहली बार खेल रहे हैं पोकेमोन फायर एश। और पोकेमोन फायर एश के इस एपिसोड में मैं थोड़ा वॉइस पीछे दे रहा हूँ। सो अभी स्टार्ट करते हैं नई कल्ट एडवेंचर्स। सो अभी के लिए फिलहाल हम अभी वॉइस मेरे को प्लीज़ नहीं पड़ रही, चूँकि मेरी वॉइस कट हो चुकी है, तो प्लीज़ थोड़ा हैंडल कर लेना। तो आप गेम प्ले देखो और वॉइस थोड़ी वैसी आ सकती है ना, तो नॉन होनी रेट और यप। सो मेरे को ये सब चीज़ पता है। एंड ऑब्वियसली बॉय एश नहीं, लकी रखते हैं अपना नाम। अगर आपको ऐसी और भी ज़्यादा वीडियो चाहिए तो मेरे को बता देना, क्योंकि मैं बता सकता हूँ। और वैसे भी मैं इसको सिर्फ कैंटो तक खेलने वाला हूँ, लेकिन अगर इस पर ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं उसको आगे जा सकता हूँ, जैसे कि इसको जोटो तक खेलूँगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा गेम है। एंड इस गेम को 4 एपिसोड, मतलब इसका एक सीजन भी 20-30 एपिसोड का कर लेगा अगर मैं 10-10 मिनट की वीडियो बनाऊँ तो। वरना नहीं, अगर मैं 20-20 मिनट की वीडियो बनाऊँ तो 10-10 मिनट का, तो कम से कम उसको 40 एपिसोड लग जाएंगे पूरे गेम को ख़त्म करने के लिए, लिटरली में 40 एपिसोड लगेंगे। तो अभी मैं नीचे चलता हूँ फटाफट के लिए। एंड या नीचे आ जाते हैं। सो यहाँ पे मेरे को अपनी मॉम से बात करनी है, जिससे ओके बोलनी है कि मेरे प्रोफेसर रुक को जाएंगे, ये क्या चीज़ है। हाँ मेरे को पता है, वैसे मैं यहाँ गेम ख़त्म कर चुका हूँ खेल के, इसलिए मेरे को सब पता है। या मेरे को संभालूँ, मैं बहुत बड़ा अंतर्यामी हूँ। सो फिलहाल मैं लैब जा रहा हूँ, यहाँ पे गैरी खड़ा हुआ है तो मैं इससे बात कर लेता हूँ पहले, क्या बोलना चाह रहा है मेरे से। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है भाग। एक मिनट, एक गया कहाँ पे? एक गैरी है अच्छे घर ना आ गया ना, एक बार देख के आऊँगा। बच्चा गैरी बच्चा बन गया है, कुछ चीज़ कॉमन नहीं है गाइस इस गैरी और बच्चे में। खैर यहाँ पे जरा देख के आऊँ वो कैसे है आखिर, इस पोकेबॉल में क्या हो सकता है गाइस, आपको क्या लगता है इस पोकेबॉल में हो क्या सकता है? सो जाके देखते हैं। हाँ तो इसमें पोशन था, सो मैंने पोशन दे लिया। एंड अब अंदर चलते हैं। सो अंदर जाके देखते हैं क्या है आखिर अंदर। एंड अभी ऊपर ऊपर, अरे कैसे अजीब पैर से जाता है यार, एक बहुत अच्छा। सो अभी मेरे को पता है मेरे को पिकाचू मिलेगा, क्योंकि हमें एस की पूरी स्टोरी पता चलती है इससे। एंड जो तुम्हें वाटर मार्क आ रहा होगा काइन मास्टर का, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो से हटा दूंगा, क्योंकि मैंने काइन मास्टर डिलीट मार दिया था, इसलिए मेरे को फिर से ये प्ले स्टोर डाउनलोड करना पड़ा। मैं इसका ए पी का डाउनलोड कर लूँगा पेड़ वाला, तो जिससे मेरा वो ना आए। सो अगर आप चाहते हो कि मैं इनका अपनी मर्जी से नाम लूँ, तो आप कमेंट करके बता सकते हो क्या क्या नाम रखो, क्योंकि मेरी वैसे भी जो भी मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं रिकॉर्डिंग के बाद गलती से बिना सेव करे कर दिया था, तो उसकी वजह से जितनी भी वो थी क्या बोलते हैं उसकी सेव फाइल वो चले गई है। अब मैं फिर से मेरे को जितनी प्रोग्रेस में करी उतनी करनी पड़ेगी, तो मैं उसमें प्रोग्रेस सेम टू सेम कर दूँगा, आप चिंता मत करो।
जितने भी लेवल्स बढ़ाई थी सेम कुछ सेम मैं कर लूँगा, लेकिन फिर जब आप नाम समझ सजेस्ट कर दोगे तो फिर मैं कर लूँगा। वैसे भी एक एपिसोड में इसका रोल नहीं डालने वाला हूँ, कभी कभार डाले करेंगे जैसे कि एक या दो दिन बाद। तो मैं अभी इस वाली सीरीज में थोड़ा कंसिस्टेंसी, हाँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट यूट्यूबर हूँ, सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट मैं ही हूँ जो कि एक एक हफ्ते बाद वीडियो डालता है, लेकिन तब भी हाँ कभी कभार एक दो महीने भी हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट यूट्यूबर हूँ गाइस। सो मैंने मेरा मेन रीज़न ये है क्योंकि मैंने देखा था कि जब भी मैं छोड़ता हूँ ना, कि जैसे कि मैंने कभी छोड़ दिया कि वीडियो नहीं डाली तो ज़्यादा व्यूज आ जाते हैं। ओके तो मेरे को कुछ देर ही है, ठीक है तो मेरे को मिल चुके हैं यहाँ पर रनिंग शूज, अब मैं भाग सकता हूँ। भाग मिल्खा भाग, भाग मिल्खा भाग। हाँ तो चलते हैं फटाफट रेडियंट सिटी के लिए, यहाँ पे पोकेमोन आया तो मैं इससे बैटल कर लेता हूँ फटाफट के लिए। सो मैं इससे बैटल कर लेता हूँ। सो हाँ थंडर बोल्ट और ये गया। सो आप अभी मैं इनसे बैटल कर सकता हूँ बिकॉज ये थोड़े कम लेवल के हैं, अगर मेरा पिकाचू काफ़ी ज़्यादा कम लेवल का होता तो मैं इससे बैटल नहीं कर पाता। हाँ आगे वाले पोकेमोन से विरिडियन फॉरेस्ट के पोकेमोन से मैं बैटल, ये क्या कह रहा है वैसे, हाँ तो मैं क्या कह रहा था विरिडियन पोकेमोन के पोके विरिडियन क्या बोलते हैं विरिडियन जंगल है ना, विरिडियन फॉरेस्ट के पोकेमोन से मैं लड़ नहीं सकता क्योंकि उनकी लेवल थोड़ी ज़्यादा हुई। मेरे को उनके से लड़ने के लिए कम से कम 10 लेवल करनी पड़ेगी जो कि मैं कर लूँगा, बहुत आसान सी बात है। ये बस स्पीयरों मारने हैं थोड़े बहुत जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान है, वन हिट हो जाएगा ये स्पीयरों के, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल के लिए मेरे को पोकेमोन सेंटर जाना चाहिए आई थिंक सो, क्योंकि वहाँ पे अंकल खड़े थे शुरुआत में, वो पोकेमोन सेंटर जाए। ओके यहाँ पे खड़े हैं, मेरे को लगता नहीं है कि मैं इनको हरा पाऊँगा क्योंकि इनके पास दो पोकेमोन होते हैं एंड आई थिंक मियाउथ भी लड़ेगा, मेरे को इतना याद नहीं है क्योंकि मैं गेम मैंने बहुत पहले ख़त्म कराया था। आई थिंक सो मियाउथ भी लड़ेगा, नहीं नहीं मियाउथ नहीं लड़ेगा, सिर्फ वो ही है एक आंसर रीजन, हाँ सोया मियाउथ नहीं लड़ेगा एंड इसने मेरी एक ही अटैक में 9 HP कर दी। अब मैं शायद से ज़िंदा ना रह पाऊँ बट हाँ थोड़ी बहुत उम्मीद है ज़िंदा रहने की, तो मैं रह लूँगा। तो शायद से अब मैं इनको 1-1 हिट करके मार पाऊँ क्योंकि आई डोंट थिंक सो, मेरे को ना अपने पोकेमोन की ना हेल्थ ना बढ़ानी पड़ेगी बिकॉज हेल्थ नहीं सर लेवल, बिकॉज अभी सारे के सारे पोकेमोन 5-5, 6-6 लेवल के आ रहे हैं। सो अगर मैं अपने पोकेमोन की लेवल 10 पहुँचा दूंगा या फिर 11-10 कर दूंगा तो फिर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा बिकॉज वो हार्ड टीयर हो जाएगा फिर मेरा पोकेमोन इन पोकेमोन के लिए। सो हाँ हमेशा इनसे 10 या 15 लेवल आगे रहूँगा मैं क्योंकि मैं आसानी से बैटल जीत पाऊँगा ना, मेरे को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी बैटल से जीतने के लिए। एंड यप तुम चाहते हो कि मैं इसमें मैक्स रिपल यूज़ करूँ या ना करूँ मेरे को बता देना, बिकॉज जो ऐश था ना उसकी सफ़र में बिल्कुल भी पोकेमोन नहीं आती थी, अगर पोकेमोन आएंगे काफ़ी ज़्यादा अनोइंग हो जाएगा मेरे लिए, तुम्हारे को तो बस गेम देखने से मतलब है, मेरे लिए अनोइंग हो जाएगा। तो अगर तुम चाहो तो फिर मैं मैक्स रिपल यूज़ करूँगा वरना ये अब तुम्हें पता ही है। सो अभी मैं पोकेमोन के लेवल बढ़ा के आ चुका हूँ यहाँ पे। गाइस से किसी ने नहीं देखा, बस मैंने छोटी मोटी सी लेवल बढ़ाई है, 10 लेवल करी है। खैर वैसे भी ये फाइल जाने वाली है तो मेरे को खुद से करना पड़ेगा, हाँ तो मेरे से या मेरा काफ़ी बड़ा काम। ओके यहाँ पे मेरे क्लिफ है, वो क्लिफ है नहीं कैटर पे मिल चुकी है। सो कैटरपी नाइस, कैटरपी 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 क्यूपी कैटरपी कैटरपी कैटरपी, हाँ पागल हो रहा था मैं कम करके, समझ आते हैं ठीक है। सो देखते क्या मैं इसको मैनेज कर पाऊंगा या नहीं। सो मैं सोच रहा हूँ यहाँ के एंड तक मेरा पोकेमोन कितनी लेवल जा सकते हैं गैस कर को, आई थिंक 12 या फिर 11 तक हो जाएगा आई थिंक सो, बट मैं तुम्हें बताऊँ मेरे को पहले से ही पता है कितनी लेवल का होगा, 11 लेवल का होगा। हाँ मैं ऐसे बिहेव करूँगा जो मेरे को पता ही नहीं है कि कितने लेवल का होने वाला है, लेकिन मेरे को पता है कि वो कितनी लेवल का होने वाला है और इधर बहुत खतरनाक तरीके से एंटर को स्पैम कर दूंगा जब भी मैं बैटल करता हूँ, तो खुद ही देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे। वैसे तो मैं स्क्रीन का एंटर दिख नहीं रहा होगा क्योंकि उससे जब मैं लेआउट चढ़ा दिया है, तो लेआउट चढ़ा दिया है तो फिर इसलिए तुम्हें स्क्रीन का वो दिख नहीं रहा होगा। और सॉरी तुम्हें Z, F5 और F11 दिख रहे होंगे और एक लेफ्ट बटन राइट बटन दिख रहा होगा बिकॉज मेरे को नहीं पता यार स्क्रीन को कैसे स्टेबल करते हैं फायर रेड की,
ए फायर एश की, मतलब मैं ना यूट्यूब पे देख के आऊंगा कि कैसे छुपाते हैं, बट मेरे को पता है ओपेसिटी तो कम हो जाती है, लेकिन ओपेसिटी से भी थोड़ा क्लियर व्यू नहीं आ रहा है। अब जैसे कि तुम ओमकार पीएम की वीडियो ले लो, उसने भी इसकी वीडियो बनाई है, तो उसका एकदम क्लियर आता है, उसका कोई बटन बटन बीच में नहीं आता, तो मेरे को ये देखना है वो कैसे करता है। या फिर तो ये वीडियो, अगर तुम इसको लो क्वालिटी वीडियो में देखोगे ओपेसिटी कम करके, तो फिर तुम्हारा सही रहेगा। अगर तुम हाई क्वालिटी वीडियो बना के देखोगे ना, तुम्हारा एकदम साफ साफ पता लगेगा कि हो क्या रहा है तुम्हारी ज़िंदगी के साथ, तो खुद ही सोचोगे भाई। मतलब अभी 8 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, मैं इस फॉरेस्ट से बाहर निकल के वीडियो एंड कर दूंगा। हाँ, तो शायद से प्यूटर सिटी है इसके बाद, एंड तुम्हें बताना भूल गया था, मेरे को पिजियोटो भी मिल चुका है, एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा बैटल स्किप करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पोकेमोन की हालत कोई खास ठीक नहीं है। जब मैं एपिसोड ख़त्म कर दूँगा, उसके बाद मैं ऑफलाइन थोड़ी सी ट्रेनिंग करने वाला हूँ, जैसे कि अगर मेरे पोकेमोन पिकाचू की लेवल 11 है, तो मैं सारे पोकेमोन की लेवल 11 कर लूँगा, इन सबको एक साथ लेके चलूँगा। और लेकिन बाकी रीजन में जब हम जाएंगे ना, जैसे कि हम जोटो गए, तो फिर पिकाचू की लेवल ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा होगी, जोटो ज़्यादा जाते पिकाचू की लेवल 50 या फिर 70, आई थिंक 100 हो जाएगी। 70 काफ़ी तो बड़ा नंबर है, बट हाँ 70 हो जाएगी, बड़ा तो नहीं भाई, छोटा ही नंबर है 70, काफ़ी है। मतलब तुम कुछ सोचो, जब मैं फायर रेड खेलता था ना, तब मेरी जब आधे आधे रास्ते में ही 70 हो जाती थी। मतलब अभी तो ये मतलब फायर एश है ना, सो शायद से मैं बैटल भी स्किप करूँगा तो नहीं हो, आई थिंक सो। एंड मैंने पहली और आखिरी बार चीट करा इस एपिसोड में, अगली बार से मैं नहीं करने वाला, तो उसके लिए भी सॉरी यार, वो भाई मेरे को थोड़ी सी लालच हो रही थी ना, इसलिए अगली बार से मैं पक्का चीट नहीं करूँगा। इस बार मैं पूरे जेन्युइन खेलूँगा। लोग भी सोचते होंगे कितना बड़ा चीटर है, हर सीरीज में चीटिंग चीटिंग करता रहता है 24 घंटे। हाँ भाई करता हूँ ना मैं चीटिंग, ऐसा धोई ना भाई, तुम डांट लगाओ मेरी। हाँ, सो आज के एपिसोड में क्या कहाँ ख़त्म करूँ, यहाँ इनके बगल में, नहीं, क्योंकि टेलीपोर्टर वाली दीदी है, तो टेलीपोर्टर वाली दीदी के बगल में ख़त्म करना अशुभ रहेगा, अशुभ। सो पोकेमोन सेंटर या फिर पोके मार्ट के ऊपर ख़त्म करना काफ़ी ज़्यादा शुभ रहेगा, है ना, शुभ। तो पोकेमोन सेंटर के आगे ज़्यादा शुभ रहेगा मेरे ख्याल से। अंदर घुसो, बाहर निकलो बच्चों, चलो काम करो। हाँ, अब ठीक है। सो गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।